इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई का यार टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो सालिमों को माफ। करन 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। उसे ब्लैक ड्रैगन कहते हैं। जैकी, तू क्या समझता है? तू भेष बदल के आएगा और मैं तेरे को पहचानेगा नहीं? लगता है उन्होंने किसी और के धोखे में मुझ पर हमला किया। जब उस गैंग के हर मेंबर के हाथ पर ड्रैगन का टैटू बना होता है। जैक्सन। जैक्सन नहीं, जैकी। ओ जैक्सन, हम तुमको कितना याद कर रहा था। आई रियली मिस्ड यू। जैक्सन तो दुनिया के लिए फ्लोरा बेबी, तुम्हारे लिए तो जैकी है, सिर्फ जैकी, तुम्हारा जैकी। पर जैकी, तुम तो एक घंटे बाद आने वाला था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे हम तुमको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए एक घंटा पहले आ गए। वेरी प्लीजिंग सरप्राइज। डार्लिंग, तुम्हारा डील हो गया? जब जैकी डील करेंगे तो डील कैसे नहीं होएगा? तुम जानता है, मुंबई से इधर एक डिटेक्टिव आया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को फिनिश करने। उसका नाम है करण। करण, द डिटेक्टिव करण, बहुत बड़ा देशभक्त बनता है वो। डार्लिंग, वो इधर ब्लैक ड्रैगन के बिग बॉस की तलाश में आया है। पर डार्लिंग, हमारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि इस ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का बॉस, बिग बॉस, कोई और नहीं, तुम है। ये बात तुम हमारे सामने बोला है, किसी और के सामने कभी नहीं बोलना कि ब्लैक ड्रैगन का बिग बॉस जैकी है, तुम्हारा जैकी। ओके डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, हम तुमको माफ कर देते हैं। चाहो हमारे एक ड्रिंक बना के लेकर आओ। अभी लेके आता है डार्लिंग। हेलो, क्या क्या बात करते हो? किसका फोन है फ्लोरा डार्लिंग? डार्लिंग, वो जेसिका हमारा फ्रेंड, तुम मिला तो है उससे? जेसिका योर फ्रेंड ऑफ कोर्स। सॉरी डार्लिंग, तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूं। यहां तक तो पहुंच गए करण, लेकिन इस लड़की को ज्यादा देर तक धोखा देना इतना आसान नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी वो तो मिल गई, लेकिन अब उस ब्लैक ड्रैगन तक ये लड़की तुम्हें बचा सकती है।
Here's your drink. Thank you. You know what, Flora, darling? It's unbelievable. कभी कभी यकीन नहीं होता है कि एक साल के अंदर हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बन गया। डार्लिंग, अगर तुमने हमारे कहने से पीटरसन को रास्ते से नहीं हटाया होता ना तो आज तुम भी मामूली ड्रैगन होता। लेकिन हमारा मेहरबानी से तुमने पीटरसन को मार डाला और खुद इस ब्लैक ड्रैगन कंपनी का बिग बॉस बन गया। गैंग में कोई नहीं जानता कि असली ब्लैक ड्रैगन पीटरसन था। बेचारा पीटरसन। Cheers, darling. Cheers. Flora, लगता है तुमने हमारा ड्रिंक बहुत खड़क बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया। You wanna knock me out? थोड़ा पानी लेकर आओ। Okay. हाँ, पानी। Oh yes, perfect. Cheers, darling. Goa ka fanny or tum jaisa nanny, come on. That's like my man, darling. Tumne abhi abhi humko bataya ki tum hamari us friend ko janta hai jiska bhi phone aaya tha, Jessica. Right. Hamare kisi friend ka naam Jessica nahi hai. लेकिन तुमने अभी हमको बोला कि तुम जेसिका से मिल चुका है। जानते हो डार्लिंग, जैकी को हमारे हर फ्रेंड के बारे में मालूम है पर तुमको नहीं है, क्योंकि तुम हमारा जैकी नहीं है। और जानते हो डार्लिंग, ये बात मेरे को जैकी ने बताई। जैकी, अभी अभी फोन आया था, जेसिका राइट। Your game is over, Mr. Karan, the detective. अब थोड़ी देर में हमारा जैकी इधर आएगा, फिर वो तुमको भी उधर ही पहुंचा देगा जहां उसने पीटरसन को पहुंचाया था। समझा तुम? Your game is बेवकूफ। खेल खेल रही थी करण के साथ। ग्लास बदलने में कितनी देर लगती है? Idiot. Smart, very smart. Jackie की शक्ल तो मेरी जैसी है ही, लगता है अकल भी मेरी जैसी है। Sorry राजा, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। करण साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपने तो कहा था आज हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा था? कब? शाम में, जब डॉकयार्ड में मिले थे। मैंने आपसे पूछा था कि फ्लोरा से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है। शाम को डॉकयार्ड में? करण साहब, इज देयर समथिंग रॉन्ग? नाउ आई गेट इट।
कि जैक्सन को कैसे पता चला कि मैं फ्लोरा के घर पर मौजूद हूं। व्हाट? रॉजर, शाम को मैं तुम्हारे साथ नहीं था, जैक्सन तुम्हारे साथ था। जैक्सन? इम्पॉसिबल। वो जैक्सन कैसे हो सकता है? वो तो, ओह माय गॉड, उस वक्त तो मैं ये समझा था कि आप जानबूझकर मुझसे अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में तो वो जानता ही नहीं था कि, ओह डैम इट, एक ड्रैगन मेरे हाथ में आकर निकल गया और मुझे ड्रैगन नहीं राजा, ड्रैगन नहीं, बिग ड्रैगन, द बॉस ऑफ ऑल द ड्रैगन। व्हाट? यस, जैकी वो इंसान है जिसकी हमें तलाश है। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को पीटरसन नाम का एक आदमी चलाया करता था, जैक्सन ने उसे खत्म करके खुद ब्लैक ड्रैगन बन गया। पीटरसन, वो जो साल भर पहले अंडरग्राउंड हुआ था, वो अंडरग्राउंड हुआ नहीं था, अंडरग्राउंड कर दिया गया था हमेशा हमेशा के। और फिकर करने की कोई बात नहीं है, ये जो डायरी है ना, ये इसमें ब्लैक ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के सारे कारनामों का हिसाब है, इसमें उन मेंबर्स की लिस्ट भी है, लेकिन अब उसका इसका कोई फायदा नहीं। मगर क्यों? जब जैकी मेरे हाथ से निकल गया तो इसने सारे मेंबर्स को अलर्ट कर दिया गया, तो अब तक सारे भाग गए। हाँ, लेकिन ये जो चेहरा है ना मुझे मिला हुआ, ये हमारी हर मुश्किल आसान कर देगा। इस चेहरे से मैं हर उस जगह पर जा सकता हूँ जहाँ पर जैक्सन जा सकता है। Surely, that's unbelievable. अगर मैं धोखा खा गया तो, लेकिन आप दोनों में कोई ना कोई फर्क जरूर होगा। फर्क तो है राजा, तुम्हें याद होगा फर्क। जैक्सन के कलाई पर ब्लैक ड्रैगन का निशान है जो मेरे कलाई पर नहीं है। That's right. लेकिन अगर उसके फिंगरप्रिंट्स हमें मिल जाते तो काम आसान होता। नहीं, फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे रॉजर, एक जगह है जहां पर फिंगरप्रिंट्स जरूर मिलेंगे। डोंट वरी, वी'ल सॉल्व इट राजा, डोंट वरी, वी'ल गेट जैक्सन। ओके ओके सर, आई'ल कैच यू लेटर। राइट सर। फिंगरप्रिंट्स? लेकिन सर, अब आपको यहाँ जैकी के फिंगरप्रिंट्स कैसे मिलेंगे? उसे घर छोड़े तो एक साल हो चुका है। एक साल हो चुका है, जब वो घर छोड़कर गया था तो अपना सारा सामान तो नहीं ले गया होगा ना? नहीं सर, इनफैक्ट वो कुछ भी लेकर नहीं गया, उसके कपड़े जूते सब कुछ यही है, और मैंने उसका सारा सामान पैक करके एक सूटकेस में रख दिया है। मुझे लगा कि वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कैटरीना, तुम्हारे हस्बैंड के कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स, कोई सामान जैसे टॉयलेटरीज, टूथपेस्ट, शेविंग रेजर, है ना, कुछ होगा? कैन आई सी इट? हाँ सर, उसका शेविंग किट यहीं पर है। अब जाओ ले आओ, लेकिन सुनो, उसे खोलना नहीं। ऑलराइट? ओके सर। करण ने अपनी फोटोग्राफ क्यों भेजी है, वो भी अजीब से गेटअप में? हेलो हेलो, ये तुमने अजीब से गेटअप में अपनी फोटोग्राफ क्यों भेजी है? जो एमएमएस मैंने आपको भेजा है कमिश्नर साहब, वो मेरा नहीं है, वो जैकी है, जैक्सन, ब्लैक ड्रैगन का बिग बॉस, बिग ड्रैगन। व्हाट सर? इत्तेफाक से उसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है, लेकिन एक फर्क है सर, उसके हाथ पे ब्लैक ड्रैगन का टैटू है जो मेरे हाथ पर नहीं है। यकीन नहीं होता कि ये कोई और है। सर, इसी बात का तो फायदा उठाकर मैं उसकी जड़ों तक पहुंच जाऊंगा। बी केयरफुल करण। सर, मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत जल्द ब्लैक ड्रैगन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे शिकंजे पे होगा। टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय। मानना पड़ेगा करण सर, यू आर ग्रेट। हेलो 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 करण सर। हाँ कैथरीन, बोलो। करण सर, प्लीज हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें मार डालेंगे। प्लीज सर, प्लीज सेव मी एंड माय सन, सब सब प्लीज। आप कैथरीन, कैथरीन, हेलो कैथरीन, something is the matter, come on.
कैटरीना 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 कैसी लगी नशे की दुनिया हा? वो क्या है ना दोस्त, सॉरी, तुमको इधर लाने के लिए तुम्हें बेहोश करना पड़ा नशे का इंजेक्शन लगा के। पिछली बार तुमने हमको बेहोश किया और इस बार हमने तुम्हें क्या अपना हिसाब बराबर हा? क्या क्या चाहती चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहती, ये लोग चाहते हैं। ये देखो पापा बचाओ, पापा बचाओ, पापा। ये मासूम समझता है कि तुम इसका बाप है, और कटरीना इसे भी मुसीबत के समय अपने हस्बैंड का याद नहीं आया बल्कि तुम्हारा याद आया। कारण दी डिटेक्टिव का यार। वैसे भी क्या है ना कि तुम हमको जैक बन के मिला था, तुम्हें एक और बार हमारे लिए जैक बनना होगा, हमारा काम करने के लिए। पापा बचाओ। क्या समझते कि मैं उन लोगों के जिन्हें मैं जानता भी नहीं तुम्हारा काम करूंगा? जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। हम जानता है कि करण द डिटेक्टिव अपनी जान की परवाह नहीं करता, पर इसको दूसरे की बड़ी फिक्र है। तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, वरना इनकी जिंदगी को मौत के खतरे से आजाद कर दिया जाएगा। पापा हमें मार डालेंगे, पापा बचाओ। क्या करना होगा मुझे? वेरी नाइस, नाउ दैट्स लाइक अ गुड मैन। तुमको इधर से वास्को जाना होगा जैक बनके, हमारे माल की डिलीवरी लेनी होगी और वापस इधर ही आना होगा। करण द डिटेक्टिव को ना तो कोई रोकेगा, ना ही कोई पुलिस वाला उसकी गाड़ी चेक करेगा। ये काम तो जैक ही भी कर सकता है। जैक यहाँ रह के वो काम करेगा जिसे करने तुम इधर आया था, यानी कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का खात्मा। नहीं समझाना, नहीं समझाना। हम जानता था तुम नहीं समझेगा, और समझने की कोशिश भी मत करना। जैक अपना काम कैसे करता है ये बात किसी को पता नहीं, समझा तुम? वास्को कब जाना है? हेलो, इंस्पेक्टर रॉजर स्पीकिंग सर। हाँ रॉजर। करण साहब, शाम से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मुझे लगता है वो जैकी के चंगुल में फंस गए हैं। What? I'm sorry, sir. रॉजर, उन्हें ढूंढो, हो सकता है उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत हो। I'm trying my very best, sir. पर इस वक्त मैं ये भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो जिंदा भी है या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रॉजर, उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। करण जैसा बहादुर आदमी गुमनामी की मौत नहीं मर सकता। अगर करण साहब को कुछ हुआ है तो मैं वादा करता हूँ
मैं उस जैकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस यू करण साहब, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कोई है? कोई है? वेल डन, वेरी वेल डन जैक। मजाक कर रही हो तुम? तुम जानती हो मैं जैकी नहीं, मैं करण। जानती हो तुम कैटरीना और मिकी को रिहा कर दो, कम ऑन। करण, करण उर्फ जैक, जैक मींस करण। रॉजर, इंस्पेक्टर रॉजर, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बोलो डिटेक्टिव करण कहां है? ये क्या कह रहे हो? कम ऑन रॉजर, तुम जानते हो मैं करण हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते जैक्सन, बोलो करण कहां है? होश में आ रॉजर। मैं बताती हूं, करण द डिटेक्टिव मर चुका है और इसी ने उसको मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिया। बकवास कर रही है? देखो रॉजर, मैं साबित कर सकता हूं कि मैं जैकी नहीं, मैं करण हूं। देखो कोई टैटू का निशान? मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे हाथ पर टैटू नहीं। बट डोंट वरी, जब तुम्हारी लाश इन लाशों के साथ तुम्हारे कमिश्नर तक पहुंचाई जाएगी ना, तब तक उस पर टैटू लग चुका होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें बहुत चालाक समझता था, पर तुम मेरी छोटी सी चाल भी नहीं समझ पाए। सच्चाई तो यह है, न कोई जैकी, न कोई जैक्सन और न ही कोई तुम्हारा हमशक्ल। वो सारी तस्वीरें जो तुमने देखी थी वो कंप्यूटर ट्रिक का नतीजा है जिसपे चेहरा तुम्हारा लगा हो। लेकिन हमने तुम्हें यह मानने पे मजबूर कर दिया कि तुम्हारा कोई हमशक्ल भी है जो ब्लैक ड्रैगन का बिग बॉस है। हम शायद तुम्हें धोखा दे भी नहीं पाते। मगर उस 10 साल के मिकी ने अपनी बेमिसाल एक्टिंग से तुम्हें धोखा दे दिया और तुमने खुद अपने कमिश्नर को यह यकीन दिला दिया कि जैक्सन बिग बॉस तुम्हारा हमशक्ल। यू नो वन थिंग, तुम्हारे कमिश्नर को जो फिंगरप्रिंट्स भेजे जाएंगे ना, वो भी तुम्हारे ही होंगे, जो ये साबित कर देंगे कि तुम करण द डिटेक्टिव, तुम ही जैक्सन, यानी कि जैक, जैकी, जैक्सन, जिसने करण को मार के उसकी लाश गायब कर दी। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिग बॉस मैं, ऑपरेशन ब्लैक ड्रैगन का ड्यूटी इन चार्ज इंस्पेक्टर रॉजर रॉड्रिक्स। इसलिए आज तक पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई, पर जब तुम यहां आए तो मुझे लगा कि तुम मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हो। इसीलिए तुमने मुझे रास्ते से हटाने का पूरा नाटक रचा। रास्ते से तो मैं तुम्हें तब भी हटा सकता था जब तुमने गोवा में पहला कदम रखा, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम्हारे साथ ही बिग बॉस की वो कहानी जो पुलिस जान चुकी है खत्म हो जाए। लगता है
लगता है सदमे ने इसे पागल कर दिया। ये जो तमंचा है ना, इसे नीचे रख दे, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। पागल तो तू हो गया जो इतना बचकाना खेल खेल रहा मेरे साथ। शक तो मुझे उसी दिन हो गया जब मैंने कैटरीना के घर पे जैक्सन की तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देखते ही मैं समझ गया था कि ये कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ है, ट्रिक फोटोग्राफी। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस खेल के पीछे दिमाग किसका है। इसीलिए मैंने वही किया जो तू चाहता था। तुम झूठ बोल रहे हो। और मेरा शक यकीन मैं उस दिन बदला जब तूने मुझे बताया कि जैक्सन मेरे भेस में तुझसे मिलने आया था। फिर इसने मुझसे कहा कि जैक्सन एक साल से लापता है, लेकिन इसने मुझे जैक्सन का जो शेविंग रेजर दिया वो मॉडल मार्केट में सिर्फ 2 महीना पहले। लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहां चले आए। हाँ, तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह हासिल करने के। द गेम इज ओवर रॉजर रॉड्रिक्स। कमिश्नर साहब, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मुझे याद है रॉजर रॉड्रिक्स कि तूने मुझसे कहा था कि गोवा की फैनी और गोवा का ड्रैगन बहुत खतरनाक होता है, लेकिन शायद तू नहीं जानता कि करण द डिटेक्टिव जब किसी के पीछे पड़ जाए तो वो कितना खतरनाक। जुर्म चीटी की तरह जब तक कानून की दरारों में रेंगता है तब तक बच जाता है, लेकिन जब उसके पर निकलते हैं तो कानून के रखवाले उसे मसल देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.